तो गाइस यहाँ पर सामने से LSPD की कार आ गई, मैंने इस पर फायर भी कर दिया, अभी इनको जल्दी से यहाँ पर इस कार को चोरी करते हैं। खड़ी मेरी थाने दे बिच बदले दे मैं दो लेना नी मैं डाकू। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू अभिषेक चौधरी गेमिंग। गाइस आज मैं फिर से खेल रहा हूँ GTA 5, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, तो पिछले वीडियो में हुआ क्या था। गाइस पिछले वीडियो में ट्रेसी कहीं ब्याज पे किसी के साथ अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रही थी, पर माइकल को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वैसे ही फालतू लोगों के साथ कर रही है। पर वहाँ पर फिर माइकल ने उनको पीट तो दिया, एक को तो मार भी दिया था, पर उनके दोस्त ने मतलब आयरिंग कर दी थी हमारे पर, उसकी वजह से माइकल को वहाँ से भागना पड़ा। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था, तो इसी के साथ इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर वो हाइस्ट का जो प्लान बनाया था ना माइकल और लेस्टर ने मिलके, तो गाइज आज उसका एक सेकंड डे, जिसमें हमें आज एक LSPD की जो एक वैन है या आप एक कुछ व्हीकल बोल सकते हो, वो चोरी करना है। वो हम मेरे को अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ मैप के अंदर, ये HS लिखा हुआ है ना, वहीं वो कार है, खड़ी नहीं है, मतलब उसको लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में पहुंचे ना, उससे पहले हमें वहाँ से इसको चोरी करना है, तो जल्दी से अभी वहाँ पर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं उनके बहुत नज़दीक आ चुका हूँ। गाइज मैंने ये कभी प्लान बनाया है कि मैं इनके डायरेक्टली पास जाके उन पर फायरिंग करके गाड़ी नहीं लूँगा, पहले मैं जहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट आएगी ना उससे उसके आगे जाके मैं अपनी गाड़ी को प्लेस करूँगा, और उसके बाद उन पर फायरिंग करके उनकी गाड़ी से जल्दी लेके वहाँ से निकलेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं। ऑल राइट गाइज, अभी यहाँ पर जो सामने आप ट्रैफिक लाइट देख रहे हो, वहीं LSPD की वो बस व्हीकल जो भी बोलो वो खड़ा है वहाँ पर, अभी यहाँ पर आएगा। अभी मैं पहले तो इस कवर में आ जाता हूँ ताकि दूर से वो कहीं मेरे को देखे इधर उधर। यहाँ पर गाइस ये आ गई, मैंने पे फायर तो कर दिया, अभी रुक गए भाई, ये रुक गए। तो गाइस वहाँ से यहाँ पर मेरे को भाग के आना पड़ा, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो मैंने सोचा था वो हो नहीं पाया, क्योंकि मैंने मेरी गाड़ी को गलती से पीछे पार्क कर दिया और वो मेरे से आगे निकल गए। इस वजह से क्या हुआ, वो मेरे पे धड़ाधड़ फायर करने लगे थे, इसलिए अभी मैं थोड़ा कवर में आया हूँ पीछे की साइड। अब यहाँ पर इनको लपेटे में लेते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा ही मेरे एम पे आ गया, इसको जल्दी से लपेट लेते हैं। ये भाई एक तो नॉक हो गया यहाँ पर, पूरा नॉक नहीं हुआ भाई, पूरा नॉक नहीं हुआ अच्छे से, या हो गया शायद। अभी पहले एक बार कवर, ओह गोलियां पड़ने लगी, फिर से कवर में जाना पड़ेगा जल्दी से। यहाँ पर गाइज मैं अभी कवर में तो आ गया, यहाँ पर सामने से LSPD के दो बंदे आ रहे हैं, एक को तो नॉक कर सकता हूँ मैं भाई, क्या ही मस्त हेडशॉट पड़ा एकदम। अभी वापस कवर में रहते हैं। ओ भाई गाइज एक और बंदा आ गया वहाँ से, और एक ये भाई मेरे साइड में आ रहा है जिससे मेरे पे फायर कर पाए, मैं दूसरे कवर में जाता हूँ अभी। गाइज यहाँ पर अभी दूसरे कवर में, ओ भाई LSPD के बंदे को बंदे कार वाले ने टक्कर मार दी, सही लेट गया, अभी उसको मार सकता हूँ। यहाँ पर एक गोली लगी पैर पे, बैठा हो वापस, वाह भाई अब की बार हेडशॉट भाई, पीछे से एक और मार रहा भाई मेरे को दीवार से, साइड में आते हैं। तो गाइज यहाँ पर सामने से एक बंदा खुल्ला में खुल्ला आ रहा है, इसको भी मैं मारता हूँ। ये भाई चल रहा है सीधा, भागते भागते आएगा तो मैं मारूंगा नहीं तेरे को, है अभी जल्दी से भाई वैन में चलते हैं जल्दी से। गाइज यहाँ पर 3 स्टार की पुलिस पीछे पड़ गई, क्योंकि अभी हमने फायरिंग करी और बंदों को मारा है ना LSPD के, इसलिए भाई पुलिस आने लगी जल्दी से। तो भाई भागते हैं, बैठते हैं इस व्हीकल में भाई जल्दी से, माइकल बैठ बैठता है, यहाँ से जल्दी से स्केप करते हैं भाई। गाइज यहाँ पर पता नहीं कैसी कैसी गलियों में आ गया भाई, अभी सामने एक मस्त इधर से भाई चलते हैं घरों के बीच में भाई, यहाँ पर थोड़ा पुलिस कम पीछा कर पाई भाई। तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है, क्योंकि भाई 10-10, 15-15 मिनट तक भाई मैं इनसे भाग रहा हूँ उसी। तो अभी मैं बीच बीच के थोड़े बहुत पार्टी दिखा पा रहा हूँ आपको। गाइज यहाँ पर पता ही नहीं मैं किस रास्ते, यहाँ पर शायद बीच की साइड आ गया हूँ यहाँ पर, और अभी यहाँ पर ये सबसे सही जगह है। तो बस एक पीछे एक मेरे पुलिस की कार आ गई, अभी यहाँ पर मेरे पास एक मस्त एडवांटेज है कि मैं इधर से गलियों में घुसा के कन्फ्यूज़ कर दूँगा, अभी देखना यहाँ पर पूरा। तो गाइज मैंने जैसा बोला था, अभी मैं इन गलियों में ले जा के इन पुलिस वालों को भाई पूरा मतलब सर घुमा दूंगा। अभी देखो आप यहाँ पर, अभी यहाँ पर इधर ले लिया, अब भाई इधर पूरा राइट में लूँगा, अब भाई ऐसे इधर उधर करता रहूँगा कि पुलिस वाले भाई हेलीकॉप्टर भी एक बार के लिए तो भाई घूम जाएगा, चक्कर ही हो जाएगा। यहाँ पर इस गली में आ गया भाई, अब देखो भाई पुलिस शांत हो गई भाई मेरे पीछे नहीं, और एक तो सायरन बंद नहीं हो रहा मेरे से यार, इस कार का सायरन को बंद करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। भाई पुलिस हट गई, हल्की हटी नहीं है मतलब अभी पीछे नहीं है मतलब इतने मेरे। यहाँ पर गाइज अभी मैं सामने की साइड चलता हूँ, यहाँ पर पुलिस आ सकती है, चलो चलो जल्दी। ओ भाई कहाँ जालियों पे चढ़ गई, ओ भाई बच गई भाई, गिरते गिरते कितनी सारी जालियाँ गिर गई थी भाई नीचे, अगर ये गाड़ी तो नीचे गिर जाती है ना भाई सही में, गाड़ी कैसे तैसे हो जाती। तो अभी यहाँ पर भाई पुलिस भी चढ़ गई भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी जल्दी से इसको लोकेशन पर लेके चलते हैं, लोकेशन वही है भाई लेस्टर की फैक्ट्री, वहीं चलते हैं जल्दी से। तो गाइज यहाँ पर फाइनली मैंने इस कार का सायरन तो बंद कर दिया है, तो अभी जल्दी से भाई पहुँचते हैं लेस्टर की फैक्ट्री, यहाँ से
दूर तो है यहाँ से ज़्यादा। तो गाइज यहाँ पर एकदम सीधी रोड आ गई है, अभी यहाँ पर जल्दी से इस बाइक कार को भगाते हैं और पहुँचते हैं लेस्टर की फैक्ट्री पे। मेरे को ये डर भाई, फिर से पुलिस पीछे पड़ गई ना, तो सही बोल रहा हूँ, अब इस्केप करना मुश्किल हो जाएगा भाई। एक तो इस गाड़ी की पूरी धजियाँ उड़ चुकी हैं, देखो भाई सारे शीशे टूट गए। मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम बाद में तो भाई फूट जाएगी गाड़ी। तो इतना ट्रैफिक हो रहा है लॉस एंजेलिस में रात के टाइम पे, सबको अपने घर पे जाना है। ये देखो भाई लाइट पे लाइट, पर अपन ट्रैफिक रूल्स को देखते नहीं, अपन तो भाई चलने दो सीधा सीधा। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर मैं फाइनली लेस्टर की जो फैक्ट्री है उसके जो एक ब्रिज की रोड है ना उस पर आ चुका हूँ। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर यहाँ पर लेस्टर की फैक्ट्री वो साइड में आप देख सकते हो वही है। यहाँ पर जल्दी से पहुँचते हैं और इस कार को अंदर सेफली खड़ा करते हैं भाई। अभी भी भाई मेरे को तो डर है कि भाई कहीं ना कहीं एक साइड में पुलिस स्टेशन भाई एकदम साइड में, कि पकड़ के ना ले जाएं कि तुम ही हो भाई जिसने LSPD की कार चोरी करी है, जितनी फायरिंग वायरिंग करी है। तो फाइनली यहाँ पर लेस्टर की तो फैक्ट्री पर पहुँच चुके हैं, अभी इसको जल्दी से यहाँ पर सामने जो पार्किंग है उसमें पार्क करते हैं। ये रही यहाँ पर भाई पार्किंग, पार्किंग तो क्या बोले भाई, एक तो थोड़ा सा ऐसे ही है, रूम टाइप भी नहीं बोल सकते, तो खुल्लम है सामने से। अभी यहाँ पर लेस्टर को तो फोन कर दिया मैंने। तो गाइस यहाँ पर फाइनली लेस्टर से मेरी पूरी बात हो चुकी है। लेस्टर बोल रहा है अभी फैक्ट्री के अंदर आ जाओ तुम, और डिस्कशन करते हैं कि रोबरी कैसे क्या करनी है। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय। तुम्हारा एस्कोबार के आ, असो की ने पिंजरे की शेर ढक के आ।